चौके तो सरका दी मैंने, लगा लगा बेटा चौके और पीछे सरका दे ऐसे ऐसे लगा। देख मैं बताऊ ये आ जगह लगा लगा ऐसे हाँ हाँ लगा थे और लगा यही के नीचे लगा यही यही के नीचे यही के नीचे लगा हाँ या जग नीचे कोई बात नहीं बस हटा दे हाँ और ले ले अब सुर में तीन भैंस यही तो नीचे लगवा दो और लगा ले हाथ में और लगा ले और ले ले अब या जगह लगाना थी नौ ही तो लगे वही हाथ पे बस वही हाथ पे दो बार लगा दे अच्छा यही हाथ पे हाँ यही चिपका दे बस हाँ अब सही बस। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप कुशल मंगल होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, उसका एक रीज़न यह भी है कि थोड़े सा समय का अभाव भी है और थोड़ा सा मेरा व्यस्त शेड्यूल भी है, तो उस वजह से वीडियो नहीं आ पाती हैं। और आज जैसे कि आज हमारे घर में हो रही है नवरात्रा की स्थापना, तो यहाँ पर माता रानी की चौकी है जो मैंने सजा दी है और हमारे इस तरीके से छापे लगाए जाते हैं। जो मेरी बेटी है यानी कि बच्चियाँ जो होती है कन्या का ही रूप होती है, तो मैंने उसी के यहाँ पर नौ देवियों के छापे लगवाए हैं। तो हमारे यहाँ तो नवरात्रा की इसी तरह स्थापना की जाती है, आपके यहाँ पर कैसी की जाती है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की तस्वीरों को विराजमान कर दिया है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया और बाकी की जो भी तैयारी होती है मैंने यहाँ पर कर ली है। आज का व्रत यानी कि पड़वा और अष्टमी हम ये तो व्रत तो रखते हैं, लेकिन मेरा बीच का व्रत नहीं हो पाते क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्कूल का भी हो जाता है और घर का भी काम हो जाता है, इसलिए मैं नहीं रह पाती हूँ। लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड है वो पूरे नवरात्रा करते हैं। तो यहाँ पर पूजा की मैं बाकी तैयारी कर चुकी हूँ, यानी कि माता रानी की चौकी मैंने सजा दी और पूजा का जो भी सामान था मैंने इकट्ठा करके एक साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने नारियल में कलावा बांधा और उसके ऊपर मैंने सातिया मांडा है। अब इसको जो मैंने कलश यहाँ पर विराजमान किया है यानी कि जिसमें मैंने नीचे जौ सींचे हैं और उसी के ऊपर मैंने ये नारियल है वो रख दिया है। अब ये जो कलश रखा हुआ है इस पर भी मैं कलावा बांधूँगी और इसके ऊपर बनाऊँगी मैं यहाँ पर ये सातिया यानी कि स्वास्तिक, यानी कि चारों तरफ पाँच स्वास्तिक इस कलश में बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरे कलश में पांच स्वास्तिक बना दिए थे और ये नीचे जो कटोरा रखा हुआ उसमें मैंने जौ सींच दिए क्योंकि माता रानी की स्थापना में जौ का सींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
हेलो फ्रेंड्स, तो मैं स्कूल से आ गई थी। आज है नवरात्रा का दूसरा दिन, तो हमने तो पड़वा और अष्टमी यानी कि उठते बैठते नवरात्रे करे थे, लेकिन मेरे पति देव ने करे हैं पूरे नवरात्रे यानी कि पूरे 9 दिन उन्होंने व्रत करे हैं। तो आ रही हूँ ये कुटू के आटे की पकौड़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने बस कुछ नहीं मिलाया इसमें, मैंने मिलाया इसमें बस कुटू का आटा, काली मिर्च और व्रत वाला सेंधा नमक और हरी मिर्च, इसी को घोल बना करके इसी की मैंने पकौड़ी बनाई, जो दही से खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी उनके लिए आलू भी फ्राई करूँगी, जो वो दही के साथ में खा लेंगे। तो वो यानी कि हर साल ही वो नवरात्रि करते हैं। मेरा तो स्कूल का और घर का हो जाता तो इसलिए मैं नहीं रह पाती हूँ, लेकिन हाँ वो तो कर ही लेते हैं। तो ये है कुटू के आटे का घोल, यानी कुटू का आटा। इसमें मैंने मिलाया काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च। तो इसका घोल बना करके इसकी पकौड़ियाँ बन जाती हैं, जो दही के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इस तरीके से ये पकौड़ी बना ली है मैंने। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, जैसे क्या है जो पकौड़ियाँ अंदर से क्रिस्प बनेगी और अच्छी तरीके से सिक भी जाएंगी, यानी कि कच्ची नहीं रहेंगी वो। कुटू की पकौड़ी तो मैंने बना ली थी, अब साथ में बना रहे उनके लिए नमकीन आलू, यानी कि आलू उनको कट करके मैंने सिर्फ मैं हरी मिर्च, टमाटर, सेंधा नमक और काली मिर्च डाल करके इनको फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा इसमें पानी मिलाऊंगी तो जिससे क्या ये जो आलू हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और इनकी मतलब एक सूखी सी सब्ज़ी बन जाएगी जो वो दही के साथ में खा लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर मैंने दो ही चीज़ें उनके लिए बना दी थी, कुटू के आटे की पकौड़ी और ये नमकीन आलू। वो जो दही के साथ खा लेंगे तो अच्छा खासा मतलब इनसे पेट भी भर जाता है, मीठा वो बहुत कम खाते इसलिए मैंने यही बनाती है। अब मैं कर रही हूँ अगले दिन की तैयारी, यानी कि अगले दिन गणगौर है। हमारे यहाँ गणगौर माता की पूजा की जाती है तो उसके लिए गुने बनाए जाते हैं, यानी कि आटे में मीठा डाल करके। तो इसमें मैंने ये गेहूं का आटा लिया और इसमें डाला है मैंने मोवन, और मोवन इस तरीके का मतलब इसमें बंध जाए उस तरीके का मोवन डाला। इसमें मैंने फिर चाशनी यानी कि जो गुड़ की और चीनी की चाशनी बनाई थी उससे मैंने ये आटा गूंथ लिया है। तो आटा गूंथने के बाद में इस तरीके के गोल गोल यानी कि रिंग साइज में गुने बनाने हैं, तो इन्हीं से सुबह गणगौर माता की पूजा की जाएगी। तो इसी मीठे आटे से कुछ तो मैंने गुने बनाए थे और कुछ मैंने बना दिए थे मीठे सकल पारे, यानी कि जो आटा बच गया था, क्योंकि पूजा के लिए टोटल 32 गुने लगते हैं, यानी कि 16 तो होते हैं हमारे गोद में जो रखे जाते हैं और 16 गौर माता को चढ़ाए जाते हैं, तो टोटल 32 गुने बनाए जाते हैं। और जो आटा बच गया था उसका मैंने सकल पारे बनाए थे, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी मम्मी जी उनको सकल पारे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्की हल्की धीमी धीमी आँच पर इनको सेक लिया था।